बेटा 4.3x का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसके मूल ज्ञात करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 बटा x बराबर 3 और x हमें दिया 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे ना तो ये 0 नहीं हो सकता, ये गिवन है हमें दिया हुआ है। हम पहले सबसे पहले इसका लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास x, ये x इधर गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को उधर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अब इसको इधर लेके आना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। हमेशा सही समीकरण बनानी है कि यहाँ पे पहले x स्क्वायर वाला आ गया, फिर x वाला आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया, ठीक है। बाकी वही मेथड, इसको किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो ए कितना है x स्क्वायर के साथ, कुछ नहीं है तो 1 हुआ। बी कितना है जो x के साथ है, वो कितना है माइनस 3, और सी कितना है कॉन्स्टेंट माइनस 1। एबीसी सब निकाल लिया, डी निकालिए, वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो, बी कितना भाई माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 1। माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर 3 है 9, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 9 प्लस 4 कितने आ गए भाई 13। तो ये देखो 13 आया, ये पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था तभी हम मूल निकाल पाएंगे। तो x का बाकी वही फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो माइनस बी मीन बी कितना हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमने माइनस 3, माइनस 3 एक बाहर माइनस है और b भी माइनस 3 है, प्लस माइनस रूट डी, डी कितना आया 13 बटा 2a, a कितना है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बेटे यहाँ पे आएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा 2 एकम 2। तो हमारे पास x के दो आंसर हुए, एक प्लस वाला लिख लो और एक माइनस वाला, बस यही इसका आंसर था। अब बेटे सेकंड पार्ट जो है हमें इसका दिया हुआ है वो है 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 3। और x जो है वो माइनस 4 और 7 नहीं होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसको लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही इसी तरीके से करेंगे। पहले एलसीएम लो तो दोनों आएंगे x प्लस 4 और x माइनस 7, ये देखो इधर चला गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जहां इसको इससे डिवाइड करके जैसे भी करना है, x माइनस 7 माइनस माइनस बीच में ना, और ये उधर चला गया तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, बराबर 11 बटा 30। अब खोलो x माइनस 7 माइनस x प्लस और माइनस माइनस 4 बटा, नीचे करो x को इससे करो तो x स्क्वायर, x को माइनस 7 से करो माइनस 7x, प्लस 4 को करो 4x, माइनस 7 चुके 28 बराबर 11 बटा 30। अब देखिए x से x कैंसल, और 7 और 4 होते 11, माइनस 7 माइनस 4 कितने हुए माइनस 11 बटा, नीचे वाला करिए इकट्ठा, x स्क्वायर माइनस माइनस 7x प्लस 4x, तो 7 में से 4 के 3 और बड़े के साथ माइनस है इसलिए माइनस 3x, माइनस 28 बराबर 11 बटा 30। देखो बीच में बराबर है ना, तो 11 से 11 कट गया, हमारे पास सिर्फ माइनस 1 बचा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 को इधर ले जाओ माइनस 30 और ये उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब 30 को उधर ले जाते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 3 बराबर 0। तो ये इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 के कितने रह गए 2 बराबर 0। तो इसको करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो एबीसी हमारे पास कितना बना, ए बना एक्स के साथ कुछ नहीं है तो कितना हुआ 1, ए बना 1, बी कितना बना एक्स के साथ कितना है माइनस 3, और सी कितना है हमारे पास कांस्टेंट 2। एबीसी निकाल लिया, अब डी निकालो फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है सी 2 है, तो ये कितना है माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 3 9, माइनस 4 दुनी 8, तो कितना आ गया 1, मतलब डी 1 आ गया, 0 से बड़ा है। तो x का फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो माइनस बी, बी कितना है माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है 1 बटा 2a, a 1 है, तो ये कितना प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए 3 प्लस माइनस, a का रूट तो 1 ही आएगा बटा 2। अब बेटे एक बार प्लस वाला ले लो एक बार माइनस वाला ले लो, तो ये आएगा 3 प्लस 1 बटा 2 और 3 माइनस 1 बटा 2, तो x बराबर 3 प्लस 1 कितने हुए 4 बटा 2, कितना आ गया 2, और 3 माइनस 1 2 बटा 2 मीन्स 1, तो फिर हमारे पास x आ गया, एक 1 आया और एक 2 आया। थैंक यू बेटा।